है कि जो 18 साल के हो जाए वो अपनी जिंदगी का शरीक अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकता है, चुन सकता है, चुन सकता है। चुनो, ठोकर खाओ। 30 साल से पहले एक दूसरे आपस में देखकर अफसोस ना करें तो फिर हमारे गिरेबान की पट्टी पकड़ लेंगे। अभी क्या बोले, शादी होती हिंदूपुर में? अरे बोलो बाबा, होती नहीं? माशाल्लाह, होना तो बाबा होती क्या, जबरदस्ती होती। एक जमाने में 30 साल तक माँ बाप शादी नहीं करे तो भी मरण बच्चा, वो भी बहन का बच्ची नहीं, मरण बच्चा 30 साल तक भी करे नहीं तो माँ बाप खामोशी रहता था, आता खाता पीता जाता। मामू बन गया तो भांजे को सिखा कर देता, तू बोल रहे मामी मामी बोल रहे। अब वो बच्चे को मालूम नहीं मामा कौन मामी कौन, तू को मामी 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 को बोल कर बोलते रहे, चुपके रहने पर कहीं चल रहा था। तो तब बाबा नहीं तो अम्मा समझ जाते कि असल में ये बच्चा हम ना इशारा दे रहा है। सो अब जमाना चलेगा, डर रख बच्चे, मर्द बच्चे क्या, औरत बच्चे, लड़कियां अपना ऑफर माँ बाप के सामने पेश करते हैं। इजहार कर दी, गलत कहूं तो जुबान तराश लेना। बिंदास अपने माँ बाप के सामने इजहार करते हैं, ये हमारा क्लास फेलू है, ये हमारा बॉयफ्रेंड है। हमने आपस में शादी करने का फैसला किया है। आहा, उस वक्त बाप क्या सोचता है मैं नहीं जानता, मां क्या सोचती है मैं नहीं जानता, लेकिन बाप की शफ़क़त ये सोचने पर मजबूर हो जाती है, ये जुमला सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई। मां की ममता, उसकी इज्जत और उसकी आबरू ये सोचकर पानी पानी हो जाती कि क्या ये मेरी ही बच्ची है जो मेरे सामने क्लास फेलू कह रही है, मेरे सामने बॉयफ्रेंड कह रही है, मेरे सामने हमारे फैसलों से पहले खुद फैसला कर चुके हैं, हम एक साल जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, साफ सुनो और साफ कहो, हजरत उलमा की जुर्रत का सदका लेकर कहना चाहता हूं कि आज हुकूमतें भी हमारे जवानों को पूरी इजाजत देकर है कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला करो, तुम अपनी जिंदगी का फैसला करो। ये अमरीका का ऑर्डर है, ये ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर है, ये जापान का ऑर्डर है, ये चाइना की बिल है, ये हिंदुस्तान का कानून है। क्या खाक कानून है मेरे दोस्तों? उनको इख्तियार दे रही है जो अपनी जिंदगी का फैसला करे, जिनको इतना भी आज तक फैसला नहीं करना आया कि उनकी अपनी जिंदगी के लिए उनके कपड़ों में कौन सा कलर शूट होता है। उनके अपने पैरों के लिए किस डिजाइन का जूता फिट होता है ये तक फैसला करने की जिसके पास ताकत नहीं है। आज की हुकूमतें ये बिल पास कर रही है कि जो 18 साल के हो जाए वो अपनी जिंदगी का शरीक अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकता है, चुन सकता है, चुन सकता है। चुनो, ठोकर खाओ। 30 साल से पहले एक दूसरे आपस में देखकर अफसोस ना करें तो फिर हमारे गिरेबान की पट्टी पकड़ लेंगे। शादी 10 साल के सफर को नहीं कहते प्यारे, शादी 5 साल के सफर को नहीं कहते, शादी 15 साल के सफर को नहीं कहते। बच्चों की तादाद पर बात कर रहा हूं, बात आ रही तो अर्ज कर रहा हूं, नौजवानों मेंढकों की तरह मत उछलो अपनी जिंदगी के पूरे फैसले। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनके कदमों में निछावर कर दो। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, तुम जब फैसले अपने माँ बाप के कदमों में डालोगे, माँ बाप का अगर फैसला गलत भी होगा तो बहैसियत माँ बाप के अल्लाह उस फैसले को सही कर देंगे। हजरत नयाद और हजरत ये नया जमाना, हजरत ये
मादरंदा और हजरत है कहते हुए तेरे दांत क्यों नहीं उतरे, तू ठोकर खाकर अपनी जुबान को क्यों नहीं खोया। मादरन दौर 2023 का दौर, ये वो कहे जो सलेब की इबादत करते हैं, ये वो कहे जो पत्थर की परस्तिश करते हैं, ये वो कहे जो चांद और सूरज की पूजा करते हैं। हम मोहम्मद के गुलाम है, जमाने बदल सकते हैं, कुरान नहीं बदलेगा, जमाने बदल सकते हैं, नबी का फरमान नहीं बदलेगा। आज भी कुरान उठाओ तो ऐसे मालूम होता है कि आज ही कुरान नाजिल हुआ है, आज भी कुरान उठाओ तो यूं मालूम होता है कि कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है, हकीकत में हमारे लिए नाजिल हुआ है। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत सैफुल इस्लाम सैफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक मुनाज़रे का सफर था, हजरत का कादिम बनकर मैं सफर में था। हजरत ने अपने किताब में एक जुमला इरशाद फरमाया, हजरत ने फरमाया अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए हजरत वाला के कब्र पर, अल्लाह ताला दरजात को बुलंद फरमाए, यकीनन यकीनन हम यतीम हो गए ऐसे अकाबिर की रुख्सत से। हजरत ने फरमाया तकरीर में के नौजवानों से खिताब करते हुए, दुनिया की हर कौम को तरक्की करने के लिए सामने देखना पड़ेगा। हाँ, दुनिया की हर कौम को तरक्की करने के लिए सामने देखना पड़ेगा, लेकिन मोहम्मद के गुलामों को तरक्की करने के लिए सामने नहीं पीछे पलट कर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे सहाबा का जमाना है, हमारे पीछे ताबीईन का जमाना है, हमारे पीछे तबे ताबीईन का जमाना है। नौजवान तो सलमान खान को नहीं, सलमान फारसी को देख, तो सलमान खान को देखने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो सलमान फारसी को देखने के लिए पैदा हुआ। उस सलमान फारसी की मोहब्बत दिल में बसा जिसके बारे में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया सुभानअल्लाहिल अज़ीम। मुहद्दिसों की जमात में बैठे, उलमा की जमात में बैठे, इल्म का माहौल, जुबान से इल्म के दरिया बहेंगे, ये मेरा कमाल नहीं, इनके तवज्जुहात का खुदा की कसम सदका है। तो सलमान खान तो देखने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो सलमान फारसी को देखने के लिए पैदा हुआ। और सलमान फारसी कौन है प्यारे जानता है? सलमान खान कौन है पूछो, आज का बुड्ढा भी जवाब देगा। मैं एक मरतबा सफर कर रहा था, वाली साहब की आदत रही, सफर कर रहा था, मैं जहां भी जाता हूँ मजमून तलाश करता हूँ, मजमून तलाश करता हूँ, मजमून बनाकर आकर बैठता नहीं, कसम अल्लाह की बैठने के बाद मजामीन लेता हूँ। यहाँ भी बच्चों का प्रोग्राम देखते देखते कई मजमून जमा कर लिया, लेकिन अभी टच करने मौका नहीं मिला है। बार बार जब हमारे हजरते असातजा वो उलमा कह रहे थे जरा नवाजो बोलकर, तो जहन में दो बातें आई, एक बात ये है कि शुक्र अदा करो गूगल पे का ताल्लुक तुम्हारे जेबन से नहीं था, नहीं तो ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफर हो जाता। फोन पे का ताल्लुक डायरेक्ट तुम्हारे जेब से नहीं था, वरना यहाँ बटन दबाते पूरा जेब ऐसा खाली हो जाता जैसे SBI बैंक खाली होती है। SBI में पैसा रहा तो निकाल लियो, क्योंकि अडानी अडानी ये नीनी भूल सता रही है, दीदी नीनी अम्बा नी आडा नी क्या दौलत है मेरे दोस्तों, दौलत तो हमारे पास है, देखो क्या हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या आइटम है, पिस्ता बादाम फिर भी बोलते मौली साहब क्या खाते खाते थे, ये लगा खा ले बोलते माशाल्लाह भी पढ़ ले बता। तो मौली साहब पर बड़ी खतरनाक नजर आए, गाड़ी बदले तो भी घूर को देखता, कपड़े बदले तो भी घूर को देखता, खाना खाए तो भी घूर को देखता, फिर भी उनके पीछे नमाज पढ़ता। समझ में आई बात है, घर बने तो घूर कर देखते, बिजनेस करे तो घूर कर देखते, दुकान करे तो घूर कर देखते, मदरसा खोले तो घूर कर देखते, मकतब खोले तो घूर कर देखते, फिर भी निकाह कुछ बुला को पढ़ा दे। जब इताच है बोले तो एक मरतबा काउंसलर को बुला को बोलो निकाह पढ़ाओ साफ होकर, MLA को बोलो नजर निकाह पढ़ाओ बोलकर।
देखो क्या क्या खिला रहे अल्लाह तबारक व तआला। हमारे अपने बचपन में दो बादाम तीन बादाम कभी कभी मिलते थे, वो बादाम को हमें है ना खाते नहीं थे, तराश तराश कर खाते थे। आहा, जैसे जैसे उलमा बड़े वैसे वैसे अल्लाह ताला की नेमतें भी बड़ी हैं। और आज अल्लाह ताला उलमा को और तलबा को मदारिस से मसाजिद से अल्लाह और अल्लाह के रसूल से निस्बत रखने वालों को जितना अच्छा खिला रहा उतना अच्छा। तो नाम लेकर कहता हूँ मैं, अंबानी साहब भी नहीं खा रहे। अंबानी का नाश्ता एक तरफ रखो, हमारा नाश्ता एक तरफ रखो, अंबानी जी तीन दिन बेहोश हो जाएंगे। उनका नाश्ता क्या है, दो इडली एक वड़ा, चार डॉक्टर से टेस्ट होकर आता कहते। हमारा नाश्ता क्या, ताजे बकरे के पाए, अंडे, टेस्टिंग गिस्टिंग क्या भी नहीं, बिस्मिल्ला पढ़े तो जहर भी शिफा। सुभान अल्लाह, हमना कौन सा जहर साहब, सिर्फ यकीन की जरा हमारे पास भी कमी है, हमारे पास नहीं बोलता, मेरे पास जरा कमी है, वरना यकीन पैदा करो, खसम अल्लाह की जहर भी बेअसर हो जाएगा। हजारों